नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं ने झोंकी ताकत, प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं कैंप। भागलपुर में अपराधी हुए बेलगाम, घर से बुलाकर युवक पर किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पानी उतरते ही डायरिया का बड़ा प्रकोप, एक ही दिन में 3 बच्चों की हुई मौत। भागलपुर खानका सबाजिया में मंगलवार से शुरू होगा 3 दिवसीय उर्स, सारी तैयारी हुई पूरी। और श्री श्याम भक्त मंडल की ओर से मेडिकल कैंप का हुआ आयोजन, 600 मरीजों की हुई जांच। और अब खबर विस्तार से। नाथनगर विधानसभा सीट को जदयू एवं राजद अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान रहा है। अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रदेश स्तर के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जदयू खेमे से भवन निर्माण मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी 2 दिनों से भागलपुर में कैंप किए हैं। वहीं शनिवार को सूबे के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा एनडीए प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए भागलपुर पहुंचे और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं रविवार की सुबह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने का मंत्र दिया। वहीं राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह भी नाथनगर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजद प्रत्याशी राविया खातून की जीत सुनिश्चित करने को लेकर सोमवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जगदेशपुर के बलुआचक में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी दल के नेता और प्रत्याशी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। एक तरफ जहां राजद और जदयू नाथनगर विधानसभा सीट को अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान रहा है, वहीं वंचित समाज पार्टी की डॉली मंडल और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार आलोक भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी क्षेत्र में जनता के बीच जाकर अपना चुनावी एजेंडा रख रहे हैं, साथ ही वोटरों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं वंचित समाज पार्टी की प्रत्याशी डॉली मंडल ने कहा कि नाथनगर क्षेत्र की जनता उनके साथ है। देखिए, मुद्दा तो है, बहुत सारा है, जो कि हमारे जो 2 टर्म विधायक रह चुके हैं उन्होंने नाथनगर में जो है कि सारा मुद्दा जो है बना करके रख दिया है। सारा परेशानी जो है कि पूरा नाथनगर विधानसभा में ही है और वहाँ के लोगों से जो मिल रहे हैं और वहाँ के लोगों से जो आश्वासन मुझे मिल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग जो है कुछ नया सोच रहे हैं। लोगों के मन में है कि इस बार हम लोग जो है कि छाप ना देख करके बल्कि प्रत्याशी को बोल दें, और प्रत्याशी के लिए उन लोगों ने मुझे चुना है और भरपूर सहयोग मिल रहा है लोगों का, और देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो काउंटिंग के बाद पता चलेगा। भागलपुर में अपराधी इन दिनों खुलेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रविवार को हबीबपुर थाना क्षेत्र के इमामपुर पंचायत में कुख्यात अपराधी मोहम्मद डब्लू ने गांव के ही मोहम्मद नासिर हुसैन को घर से बुलाकर सरेराज जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पिटाई से मन नहीं भरने पर अपराधी मोहम्मद डब्लू ने बंदूक के बट से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ उमड़ गई। लोगों ने हबीबपुर पुलिस पर सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। घायल नासिर ने बताया कि वह घर में सोया था, तभी मोहम्मद डब्लू ने घर से बुलाकर अचानक हमला कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हबीबपुर पुलिस ने घटना स्थल से 2 देशी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और खाली खोखा बरामद किया है। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तो उसने खींच के मुझे एक लपड़ा मार दिया। लपड़ा मारने के बाद हमने बोला, डब्बू भाई आप लपड़ क्यों मार रहे हमें, तो तुम होशियार बनेगा। फिर दूसरा लपड़ा मारा, उतने में मेरी मम्मी को आवाज गया लपड़ का, तो मेरी मम्मी आने लगी, तो उतने में हमने उसका पकड़ा तो उसने फायरिंग कर दिया। फायरिंग किया तो ये देख रहे ना, यहाँ से निकला गोली मेरे, ठीक है। उसके बाद उसने एक कट्टा खाली जब हुआ जो पिस्टल है, दूसरा पिस्टल निकाला मारने के लिए, और फिर हमको उसके कंधे से जो होता है, पीछे जो होता है उसके, उससे मारा यहाँ पे 2-3, ये पूरा लहू लुहान आप देखे होंगे, खून भापे कितना सारा गिरा हुआ।
जिले भर में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डायरिया की चपेट में आकर 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जिसका इलाज निजी क्लिनिक एवं सरकारी अस्पताल में चल रहा है। शनिवार को कहलगांव अनुमंडल के सनहौला प्रखंड के सिलहन गांव के ब्रह्मदेव तांती की 2 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी, वीरेंद्र रविदास के पुत्र सत्यम कुमार और रोहित कुमार के 1 वर्षीय पुत्र अर्जुन कुमार की मौत हो गई। वहीं कई लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं गांव में डायरिया से मौत होने की सूचना मिलते ही चिकित्सा पदाधिकारी पीसी सिन्हा गांव पहुंचे और डायरिया से ग्रसित लोगों को बेहतर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि गंदगी के कारण क्षेत्र में बीमारियां फैल रही है। उन्होंने कहा कि गांव में नकली ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है, जो बीमारी रोकने में सक्षम नहीं है। उन्होंने जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही। डायरिया में इतना कम समय में 2 उल्टी 2 पैखाना ही हिस्ट्री है, तो सिर्फ उल्टी पैखाना के कारण डेथ है, ये हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सो डिजीज क्या डिजीज है? उल्टी पैखाना तो है, लेकिन डिजीज और भी कुछ हो सकता है जो हमारे नॉलेज में नहीं है, और हम अभी कुछ प्रोविजनल डायग्नोसिस भी इस बीमारी का नहीं कर सकते हैं। हम अपने पदाधिकारी को इस संबंध में यहाँ से वापस होने के बाद लिखेंगे, बस स्थिति की जानकारी देंगे। और हम लोग अभी क्लोरेंट ये ब्लीचिंग पाउडर छिड़कवा रहे हैं कुआं में, आपने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर डाले। भागलपुर मौलाना चक स्थित खानखा शबाजिया में सुप्रसिद्ध सूफी हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी का वार्षिक कार्यक्रम 15 से 17 अक्टूबर तक होगा। मई सालाना उर्से पाक को लेकर रविवार को खानखा परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मदरसा शबाजिया के प्रधान शिक्षक मौलाना फारूक आलम अशरफी ने कहा कि हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी के सालाना कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी कार्यक्रम सजादा नसीर सैयद शाह मोहम्मद इंतकाब आलम शहबाजी की अध्यक्षता में संपन्न होगा। मौलाना फारूक आलम ने बताया कि 392 उर्से पाक पूरी अकीदत और आस्था के साथ मनाया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु शिरकत करेंगे। 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक 3 रोजा उर्से सुल्तान अल आरिफीन का इनेकाद किया जा रहा है खानकाह आलिया शहबाजिया में, और ये 392 उर्से है। इस मौके पर 15 तारीख को पहले झंडा तोलन होगा, फिर उसके बाद जो है बाद नमाज ऐशा कुरान खानी होगी, और फिर उसी तारीख में 10 बजे रात में नातिया मनकबती मुशायरा होगा। उसके बाद फिर दूसरे दिन जो है दिन में कुरान खानी होगी, और फिर रात में चादर पोशी होगी। बाढ़ का पानी उतरते ही फैल रहे संक्रमण को देखते हुए श्री श्याम भक्त मंडल की ओर से रविवार को मंदरोजा चौक स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर परिसर में मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप का उद्घाटन पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, प्रबंध न्यासी प्रभात केजरीवाल, अध्यक्ष नीलेश कोटरीवाल, संयोजक रोहित झुंझुनवाला ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान मेडिकल कैंप में 13 विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा करीब 600 मरीजों की स्वास्थ्य जाँच की गयी। वही चिकित्सकों ने सभी मरीजों को उचित परामर्श देते हुए मुफ्त दवा का वितरण किया। पूर्व उपमहापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि श्री श्याम भक्त मंडल के द्वारा समय समय पर शिविर लगाकर असहाय एवं जरूरतमंदों की मदद की जाती है। वहीं प्रबंध न्यासी प्रभात केजरीवाल ने कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज हमारा जो सपना था हमारे मंडल का, और अभी तक हम लोग 337 पेशेंट देख चुके हैं। 13 डॉक्टरों की लिस्ट थी हमारी, 3 डॉक्टर किसी व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए। 10 डॉक्टरों के बीच में किसी रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, आई स्पेशलिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये बहुत अच्छे मन से टीम सर बहुत ही अच्छे। श्याम जो हमारा श्याम भक्त मंडल है, ये बहुत ही पुरानी संस्था है और ये लोग काफ़ी सामाजिक काम लगातार करते रहते हैं। तो ये संस्था बहुत अच्छी है और अच्छा मैंने सामाजिक कार्य लोग लगातार करते हैं। भागलपुर में म्यूजिका इवेंट्स के बैनर तले रविवार को भीकनपुर स्थित पाठशाला एडोशर में ट्रैक सिंगिंग प्रतियोगिता वॉइस किंग के दूसरे राउंड का ऑडिशन आयोजित हुआ। ऑडिशन में कुल 21 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 6 प्रतिभागी का चयन मेगा ऑडिशन के लिए किया गया। ऑडिशन में निर्णायक की भूमिका मनीष चौधरी, प्रीतम झा, विशाल झा एवं आलोक रंजन ने निभाई। इस दौरान शहर के कई नामचीन लोग मौजूद थे। म्यूजिका इवेंट के लकी मलय विपुल ने बताया कि जल्द ही मेगा ऑडिशन की तिथि की घोषणा की जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में सोनी पांडे, नूतन शर्मा, एस कुमार, रोहन सौरभ, शाहबाज अमजद एवं अभिलाष की सराहनीय भूमिका रही।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिलेक्ट टीवी। झूठे वादों का साथ अब छोड़ो, सच्चाई से अब नाता जोड़ो। नाथनगर का बेटा है डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, सच्चा नेता है, ईमानदार, कर्मठ, शिक्षित और समाज सेवी। नाथनगर का भविष्य है यही। चुनाव चिन्ह एसी छाप क्रमांक संख्या 9 पर बटन दबाकर सबकी पसंद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक को जिताएं, जो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200122297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नौगछिया प्रखंड कार्यालय सभागार में अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री और मुआवजा देने की प्रक्रिया पर जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुआवजा के लिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक है, लेकिन कई लोगों के आवश्यक कागजात बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक बाढ़ पीड़ितों को 6,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा महामारी फैलने की आशंका को देखते हुए चूना, ब्लीचिंग और गैमेक्सिन पाउडर का छिड़काव करने की बात कही गई। बैठक में CO विद्यानंद राय, CDPO लक्ष्मी रंजन सहित सभी दलों के जनप्रतिनिधि एवं मुखिया मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है, साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया विश्वविद्यालय में 13 नवंबर से शुरू होगी, जो 28 नवंबर तक जारी रहेगी। कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने बताया कि कॉलेज स्तर का चुनाव 21 नवंबर को होगा, जबकि विश्वविद्यालय सेंट्रल पैनल का चुनाव 28 नवंबर को होगा। वहीं PRO डॉ SD झा ने बताया कि कॉलेज यूनियन के चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट 13 नवंबर को जारी किया जाएगा। छात्र संघ चुनाव का मुख्य चुनाव अधिकारी DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो को बनाया गया है। भागलपुर के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN झा का निधन सिल्लीगुड़ी अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार की सुबह हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही जिले में शोक की लहर दौड़ पड़ी। डॉक्टर झा की पुत्री डॉक्टर निर्मजा झा ने कहा कि वह काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसका इलाज सिल्लीगुड़ी अस्पताल में चल रहा था। रविवार की देर शाम उनका शव भागलपुर पहुंचेगा और सोमवार को पार्थिव शरीर का बरारी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। भागलपुर के खरमनचक में रविवार को MB ज्वेलर्स शोरूम का भव्य शुभारंभ हुआ। मटरूमल बनवारी लाल ज्वेलर्स का उद्घाटन भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे, प्रोपराइटर बनवारी लाल वर्मा, संचालक अमित वर्मा और प्रकाश वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। संचालक प्रकाश वर्मा ने बताया कि MB ज्वेलर्स में ग्राहकों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है, साथ ही दीपावली और धनतेरस को देखते हुए गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी की खरीदारी पर 25% की छूट दी जा रही है। शोरूम में सोना और चांदी मेकिंग चार्ज पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है।
ऑपरेटर ने बताया कि भागलपुर के लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए आभूषण लेटेस्ट डिजाइन में उपलब्ध है। वहीं भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे ने कहा कि युवा जोश और बुजुर्गों के अनुभव से खोला गया एमबी ज्वेलर्स अद्भुत है। मौके पर डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर बिहारी लाल, छात्र नेता करण शर्मा, कुश पांडे समेत कई लोग मौजूद थे। एमबी जे ज्वेलर्स आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। मैं तो यही संदेश दूंगा कि आज हमारे जो गुरुजन हैं, प्रियजन हैं, उनके नाम पर, आज अपने दादाजी के नाम पर ये इन्होंने इस प्रतिष्ठान का नींव रखा है। निश्चित तौर पे जब आप अपने पितरों को याद करके कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफल होते हैं। आपने दोनों ने आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। अपने दादाजी को याद करते हुए ये प्रतिष्ठान का आपने नींव रखा है। मुझे लगता है भागलपुर में ये बहुत अच्छा वेन्यू मिला है यहाँ पर और थर्मन चक में, और लोग यहाँ पर काफ़ी उत्साहित होंगे। और तीनों रेंजेस आपको मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आकर के, कि डायमंड भी है और गोल्ड भी है और सिल्वर भी है। बाकी हमको लगता है स्टोन्स वगैरह जेंट्स तो रहते ही हैं साथ में, तो लोगों को एक बहुत अच्छा यहाँ पर मौका मिल रहा है। भागलपुर नाथनगर के विभिन्न इलाके में आए भीषण बाढ़ का पानी घटने के बाद लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ग्रामीणों के बीच फैल रहे बीमारी को लेकर रविवार को नाथनगर के गोसाईदासपुर मध्य विद्यालय में IMA और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से जांच शिविर लगाया गया। शिविर में नाथनगर प्रखंड के श्रीरामपुर, हरिदासपुर, गोसाईदासपुर सहित कई गाँव के लोगों की डॉक्टरों ने जाँच कर उचित परामर्श दिया। साथ ही सैकड़ों मरीजों के बीच निःशुल्क दवा का वितरण किया। शिविर में डॉक्टर अमिताभ, डॉक्टर राजीव लाल, डॉक्टर राजीव सिन्हा, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर लीना और डॉक्टर अर्चना झा ने ग्रामीणों की जांच की। इस मौके पर मारवाड़ी युवा मंच के अश्वनी खटोर, रेसु चौधरी, प्रभाकर झा, योगेश यादव सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर वार्ड संख्या 9 के साहेबगंज पश्चिम टोला में सांसद निधि कोष और श्री श्री 108 मां काली पूजा समिति की ओर से भव्य सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। सामुदायिक भवन निर्माण में साहेबगंज की जनता भी भरपूर सहयोग कर रही है। साहेबगंज काली मंदिर के ठीक सामने बन रहे सामुदायिक भवन में सभी वर्ग के लोग श्रमदान और अर्थदान कर रहे हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष बिरबल यादव और सचिव शत्रुघ्न यादव ने बताया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर समाज के लोगों के सहयोग से सामुदायिक भवन की ढलाई हो रही है। वहीं शांति समिति के शंकर राय और अशोक ठाकुर ने कहा कि साहेबगंज पश्चिम टोला में नवयुवक संघ के द्वारा सन 1980 में ही मंदिर स्थापित की गई थी। वहीं संरक्षक राजेंद्र शर्मा ने कहा कि मां काली के दरबार में प्रत्येक मंगलवार को भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जबकि प्रतिदिन भक्त मां को भोग चढ़ाते हैं। मौके पर राकेश कुमार, बजरंगी चौधरी, कपिल देव यादव, मनोज यादव समेत कई लोग मौजूद थे। ग्लोबल शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमता विकास के लिए भागलपुर GD गोयनका पब्लिक स्कूल में घुड़सवारी प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। स्कूल की निदेशिका डॉक्टर निहारिका भारती ने कहा कि रॉयल स्पोर्ट्स घुड़सवारी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। निदेशिका डॉक्टर भारती ने बताया कि घोड़े को कंट्रोल करने के लिए हाथ, पैर, आंख और दिमाग सभी को एक साथ सक्रिय रखना पड़ता है, जिससे बच्चों में स्वयं नियंत्रण की क्षमता का विकास होता है। वहीं GD गोयनका स्कूल के बच्चों ने घुड़सवारी प्रशिक्षण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं ने झोंकी ताकत, प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं कैंप। भागलपुर में अपराधी हुए बेलगाम, घर से बुलाकर युवक पर किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पानी उतरते ही डायरिया का बड़ा प्रकोप, एक ही दिन में 3 बच्चों की हुई मौत। भागलपुर खानका सबाजिया में मंगलवार से शुरू होगा 3 दिवसीय उर्स, सारी तैयारी हुई पूरी। और श्री श्याम भक्त मंडल की ओर से मेडिकल कैंप का हुआ आयोजन, 600 मरीजों की हुई जांच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।